वेलकम बैक टू स्टॉक्स पावर यूट्यूब चैनल। तो आज यहाँ पे हम रिलायंस पावर लिमिटेड स्टॉक के बारे में बात करने वाले और लेटेस्ट अपडेट भी यहाँ पे देखने वाले। तो रिलायंस की बात की जाए तो रिलायंस यहाँ पे आप देख सकते हैं तकरीबन यहाँ पे रिलायंस पावर स्टॉक 13.25 पे क्लोजिंग की थी फ्राइडे के दिन। तो आने वाले वीक में कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स रह सकते हैं रिलायंस पावर स्टॉक के लिए, कहाँ पे रेजिस्टेंस, कहाँ पे सपोर्ट ले सकता है, वो लेवल्स भी यहाँ पे हम लोग देखने वाले। जैसे कि यहाँ पे देखा जाए तो ये जो ब्लू कलर का लाइन दिखाई दे रहा है वो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 200 मूविंग एवरेज डेली चार्ट फ्रेम है, जैसे कि उसका यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लगा है पिछले दो दिनों से। मंथली प्यूट को ब्रेक करके ऊपर चला गया था रिलायंस यहाँ पे पावर, यानी कि 13 लेवल पे मंथली प्यूट था उसको ब्रेक करके ऊपर चला गया था, फिर से नीचे गिरावट हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पे जो रेजिस्टेंस एक्ट हुआ है जो ब्लू कलर का लाइन 200 मूविंग एवरेज वो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एक्ट हो चुका है, तो उसकी वजह से गिरावट हो चुकी है। तो नीचे जो मंथली प्यूट 13 लेवल है तो वहां तक आने के चांसेस दिखाई दे सकते हैं, फिर मंथली प्यूट का सपोर्ट ले सकता है और वहीं से फिर से बाउंस बैक हो सकता है रिलायंस पावर स्टॉक। तो ये दो लेवल के बीच में ब्रेकआउट मिलेगा, जैसे कि 13 लेवल थे यहाँ पे 13.80, ये दो लेवल के बीच में जहाँ पे ब्रेकआउट मिलेगा उस साइड एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिल सकती है रिलायंस पावर स्टॉक में आने वाले मंथ में। तो ये थे लेटेस्ट अपडेट रिलायंस पावर स्टॉक के लिए।